सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो यहाँ इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जाम 2020 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही ओरिजिनल और डिजिटल क्वेश्चन पेपर है। इसे आप एग्जाम से पहले एक सैम्पल पेपर के तौर पर भी आप देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सो यहां पर नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 8 एंड इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2019 टू 20 क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस। टाइम आपको अलाउड होगा 2.5 घंटे का एंड मैक्सिमम मार्क्स होगा 80 का। देख लेते हैं सामान्य निर्देश। यह प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित है, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं। प्रश्न संख्या 2 से 9 प्रत्येक 3 अंकों के हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रश्न संख्या 10 से 15 प्रत्येक 5 अंकों के हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रश्न संख्या 16 एक मानचित्र 5-6 अंकों का है, जिसके 2 भाग है, इतिहास 3 अंक तथा भूगोल 3 अंक। सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड क से। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। सो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तर्क लोकतंत्र के समर्थन में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सो यहाँ पर इसके ऑप्शन है, नेताओं का बदलते रहना नैतिकता का स्थान नहीं, कानून का राज एवं अधिकारों का आदर, चुने गए नेताओं को लोगों के हितों की जानकारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड, लोकतंत्र में अकाल एवं भूखमरी की संभावना कम होती है, ये तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है, और ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का कार्य होता है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाना, संसद में संविधान का निर्माण कराना, नए संविधान का निर्माण करना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श आचार संहिता में शामिल है चुनाव प्रचार के लिए कि धर्मस्थल के उपयोग पर पाबंदी, सरकारी वाहन विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग पर पाबंदी, सरकार का नीतिगत फैसले पर रोक, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, स्थायी कार्यपालिका में शामिल है प्रधानमंत्री, प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले लोग, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है मस्तिष्क, शरीर, धमनियां एवं नसें, हृदय और आत्मा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन खाद्य असुरक्षित नहीं है, भूमिहीन, वेतनहीन कर्मचारी, पारंपरिक दस्तकार, भिखारी। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, आर्थिक समृद्धि से गरीबी घटती है, आर्थिक समृद्धि से गरीबी बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि से बेरोजगारी बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक क्रियाकलापों के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है व्यापार, परिवहन, विनिर्माण या कृषि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है, मिट्टी की उर्वरकता में कमी, भौम जल स्तर का कम होना, अधिक उपज वाले बीजों की कमी, इनमें से कोई नहीं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को डैश कहते हैं। डैश प्रकार की वनस्पति से के पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के निकास को डैश कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा को डैश डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है डैश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश बड़ा देश है। रबर का संबंध डैश प्रकार की वनस्पति से है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। रूस के संदर्भ में कोलखोज का क्या अर्थ था। किस कानून के द्वारा हिटलर ने संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त किया, अथवा
प्रथम विश्व युद्ध में के जर्मनी में कौन सा गणराज्य अस्तित्व में आया? देखते हैं सेक्शन बी, इसके सभी प्रश्न 3 अंक के हैं। हरित क्रांति का निम्नलिखित पर पड़े प्रभाव को लिखिए, किसानों की आय पर, भारत में खाद्य सुरक्षा पर, मृदा की गुणवत्ता पर, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और बेरोजगारी का प्रकार बताइए। ये 3 प्रश्न हैं, हर प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, टिप्पणी कीजिए, अथवा संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वोपरि है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत के उत्तर मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नदी प्रदूषण की रोकथाम के कोई 3 उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक के युग के रूप में क्यों माना जाता है, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, समाजवादी विचारों के इतिहास में कार्ल मार्क्स के योगदान का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप नाजी शासनकाल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते? सेक्शन सी, सभी प्रश्न 5 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 10, बस्तर के वन विद्रोह पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, या घुमंतू समुदाय अपने स्थान क्यों बदलते थे, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, मानसून के आगमन एवं मानसून की वापसी की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 2 प्रश्न हैं, क्या आप मानते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, कारण बताइए, या भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की मुख्य चुनौतियों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि इनमें किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। रमेश को उसके कार्यालय में कर्मचारी संघ बनाने से रोका गया, राकेश से जबरदस्ती बेगार करवाया गया, दिनेश के गांव में छुआछूत का प्रचलन है, राजू उम्र 12 वर्ष होटल में काम करता है, पिंकेश को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को लिखिए, अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालें। अब देखते हैं सेक्शन D, खंड ख 16A, यानी कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर क ख ग 3 चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन चिन्हों को निम्नलिखित दी गई जानकारी से पहचानिए और उनके नाम लिखिए। वह देश जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों के साथ था, वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों के साथ था, वह देश जिस पर नाजी जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। ब, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए और नाम लिखिए। सिक्किम, काजीरंगा नेशनल पार्क, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। और ये पॉलिटिकल मैप है, वैश्विक मैप यानी कि विश्व स्तरीय मैप, और ये भारत का मैप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। बने रहिए और चेक करते रहिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।